अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड बाय सोनी में आपका स्वागत है। मैं आज एक आपके साथ में शेयर करने के लिए एक ब्लॉग बनाने के लिए आई हूँ। मैं यहाँ पर आज कुछ पकाने वाली नहीं हूँ, मैं आज एक आपको बताती हूँ क्या आप करने वाली हूँ। आपके साथ में शेयर करने का मन कर रहा था तो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। क्या करूँगी, रमज़ान का महीना चल रहा है, कई लोग होते हैं तो रमज़ान के पहले से ख़रीदारी कर लेते हैं ईद की तैयारी से तैयारी के लिए। लेकिन कभी कभी रमज़ान के महीने में ख़रीदते हैं, मुझे तो पसंद है रमज़ान के महीने में ख़रीदो तो उसका मज़ा ही कुछ और है। मेरी अम्मी ने बोले कि वो कपड़े ख़रीद लिए, बोले कि बेटा मेरा थोड़ा ब्लाउज बना दे, मुझे थोड़ा सिलाई बुनाई थोड़ा आता है, बस मैं कुछ सीखी नहीं हूँ। मेरी बड़ी बहन जो है वो सीखे हुए थे, वो बनाते थे, तो मैं वहाँ पर देख कर उन्हें पूछ कर उनसे थोड़ा कुछ सीख कर बना लेती हूँ, ब्लाउज बना लेती हूँ। तो इसलिए मेरी अम्मी ने हमेशा जब भी साड़ी खरीदते हैं मुझे देते हैं, ले बेटा इसे बना ले, बना के दे दे। तो ईद का तैयारी के लिए मैं यहाँ पर अम्मी का ब्लाउज बनाऊँगी, मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कैसे बनाती हूँ और किस तरह से साड़ी लेकर आए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। क्या पहले क्या करूँगी, ईद के लिए जो साड़ी लाए हैं ये देखिए, ये कॉटन का साड़ी है और संबलपुरी साड़ी है। ये कॉटन का संबलपुरी साड़ी बहुत ही कंफर्टेबल होता है, सभी के लिए बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन एजेड लोग जो होते हैं उनके साथ में वो जो पहनकर उसमें उन्हें बहुत ही कंफर्टेबल होता है, तो इसलिए मेरी अम्मी ने इसे ये साड़ी लेकर आए हैं। ये कितना रेट का है ये भी आपको दिखाऊँगी। ये खरीदे हैं देखिए, ये है 4995 रुपीज़, ऑलमोस्ट 5000, 4995 ये रेट है इसका। ये है संबलपुरी कॉटन साड़ी है, लेकिन संबलपुरी का बहुत ही कॉस्टली साड़ी होते हैं, इसे अम्मी ने लेकर आए हैं। इसका मैं ब्लाउज निकालूंगी, ब्लाउज का पीस जो इसके अंदर में है उसे निकालूंगी। इसे अंदर में है तो अम्मी ने देख कर तो दिए होंगे, बोले थे मेरे ब्लाउज बना लेना। मैं पहले से जब भी वो ब्लाउज खरीदते हैं तब साड़ी खरीदते हैं मुझे देते हैं ब्लाउज बनाने के लिए। और यहाँ पे लिए हैं कॉटन साड़ी, कॉटन का ये साड़ी ली है, कितना खूबसूरत है देखिए। इसका अंदर में एक ब्लाउज पीस है, तीन साड़ी दिए हैं मुझे बनाने के लिए, तो दो कॉटन का है, तीनों कॉटन का है, लेकिन ईद के लिए जो है ज़्यादा कॉस्ट का है वो ऑलमोस्ट 5000 का है। ये कितने का है मैं आपको साथ में बताती हूँ, दिखाती हूँ आपको। दिखाती हूँ कहीं छुप गया है उसका, जो उसका अंदर का जो ये ब्लाउज पीस है ये प्लेन वाला है, तो ये निकाल लूँगी और आपको इसका रेट बस इसे दिखाऊंगी। ये है 795 का है, ये डेली यूज का है, तो ये भी बहुत कंफर्टेबल है इसे डेली यूज के लिए। ये 795 का है। और एक साड़ी लाए हैं ये देखिए, ये कितना अच्छा कलर का है, ये कितने का, इसका अंदर में ब्लाउज पीस नहीं है, वो दो साड़ी में ब्लाउज पीस है, इसके अंदर में सिर्फ ब्लाउज पीस नहीं है। तो इसका रेट कितना है मैं आपको दिखाती हूँ, सिक्स फाइव टू, ये 652 रुपये का साड़ी है, ये कॉटन का है। ये रॉयल कला मंदिर से लाए हैं ये साड़ी, रॉयल कला मंदिर का साड़ी जो होते हैं बहुत ही कंफर्टेबल बस साड़ी होते हैं। तो मैं क्या करूँगी, इसका अंदर से ब्लाउज पीस निकालूँगी। मैं प्रॉपर तो टेलर नहीं हूँ, फिर भी बना लेती हूँ, बहुत परफेक्ट ही बनाती हूँ, इसलिए पहले ब्लाउज पीस निकाल लेती हूँ। ये भी ये जो 5000 का है ये भी प्लेन ही है, इसका अंदर में ब्लाउज पीस नहीं, थोड़ा सा ये है, देख लेती हूँ
आपके सामने शेयर तो करूँगी। प्लेन है ये देखिए, ये है ब्लाउज पीस, इसे काट कर निकाल लूँगी अलग से। ये देखिए इसका ब्लाउज पीस मैं निकाल चुकी हूँ, इसे नाप कर निकाल चुकी हूँ, क्योंकि मैं बताती हूँ ये पेन क्या है। अम्मी ने दिए थे साड़ी, बोल रहे थे कि ब्लाउज बना ले, मैं उसे नापी नहीं, बस ब्लाउज पीस निकाली। निकाल लेने के बाद देखती हूँ तो साड़ी छोटा है, पहनने के लायक नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही छोटा है। बस उसी के लिए मैं यहाँ पे ब्लाउज साड़ी को नाप कर ब्लाउज पीस निकाल चुकी हूँ। अब क्या करूँगी, ब्लाउज बनाने से पहले एक काम तो ज़रूर करूँगी। कॉटन का ब्लाउज पीस है, अब इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा धो लेंगे, एक घंटे के लिए पानी में सोख करके रख लेंगे। क्योंकि पता है क्यों, क्योंकि ये जो धोने पर कपड़ा थोड़ा सिकुड़ जाता है, तो जो ब्लाउज बनेगा परफेक्ट नहीं बनेगा, तो इसलिए मैं पहले इसे पानी में सोख कर लूँगी। दोनों ही ब्लैक ही हैं, ब्लैक साड़ी ब्लैक ब्लाउज बनाकर तैयार करेंगे। इसमें थोड़ा सा छोटा दिख रहा है तो देखेंगे क्या होता है, बीच बीच में आपको दिखाऊंगी इसे क्या करना है। पहले धो लेंगे, इसे निचोड़ कर एक घंटे के लिए सोख कर लेंगे, उसके बाद इसे निचोड़ कर सुखा लेंगे। सुखाने के बाद मैं आपको बताऊंगी इसे क्या करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड बाय सोनी में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ ये सन ड्राई गोलगप्पे। ये सन ड्राई गोलगप्पे घर पर बनाकर इसे स्टोर करें, कुछ ख़राब नहीं होता है, ये एक साल रख लें बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। धूप पर सुखा कर रखते हैं इसे, इसी तरह से आप भी बनाकर स्टोर कर लें। इसे बनाने के लिए मैं आपको दिखाऊंगी इसका प्रोसेस। चलिए बनाना शुरू करते हैं गोलगप्पे, सन ड्राई वाले गोलगप्पे बनाकर तैयार कर लें। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। कपड़े में एक घंटे के लिए सोख करके धोकर सुखा ली थी, तो सुखा लेने के बाद जो 4995 वाला जो कपड़ा था, तो मैं उसका ब्लाउज पीस चेक कर रही थी, थोड़ा सा पतला है। पतला मतलब पूरा बदन दिख रहा है, इस तरह से करने पर बदन दिख रहा है, तो इसलिए मैं इसका सपोर्ट के लिए एक पतला सा कॉटन का कपड़ा लेकर आई हूँ। उससे भी धोकर मैं पानी में सोख करके साफ पानी में धोकर इसे सुखा कर प्रेस कर कर लेकर आई हूँ। इसे इसके साथ में इसका सपोर्ट के लिए उसके साथ में अस्तर वाला बनाकर तैयार करेंगे। और अम्मी ने इसे दिए हैं ब्लाउज का नाप लेने के लिए, यहाँ मैं प्रेस करके रख चुकी हूँ, इसका नाप लूँगी। और ये जो पहले वाला जो है और एक ब्लाउज का पीस कपड़ा, वो थोड़ा गाफ ज़्यादा गाफ है, तो इसलिए उसके साथ में कोई अस्तर नहीं लगाऊंगी। पहले क्या करूंगी, मैं न्यूज़पेपर लूंगी, न्यूज़पेपर में ये जो ब्लाउज में बनाऊंगी, प्लेन ब्लाउज नहीं बनाऊंगी, ये चोली वाला कटिंग ब्लाउज बनाऊंगी। ये कटिंग ब्लाउज जो सामने का कटिंग होता है, उसका चार पीस होते हैं कटिंग, तो पहले मैं ये न्यूज़पेपर पर कटिंग करूंगी, उसे डालकर कपड़े के ऊपर मैं काट कर इसे बनाऊंगी। अब मैं पहले काट लेती हूँ न्यूज़पेपर को, अब मैं न्यूज़पेपर को काट कर लेकर आई हूँ। ये है ये जो पीछे वाला हिस्सा है, इसका कटिंग है, और सामने वाला जो है, ये जो है चार टुकड़ों में काट कर लेकर आई हूँ। इसे मैं कपड़े के ऊपर डालकर इसे काटूँगी, कोई पेन वगैरह हो तो उसमें थोड़ा दाग लगाकर उसे काट लेंगे, बहुत आसानी से कटकर तैयार होगा। ये भी बनाने में कोई मुश्किल नहीं होगी, थोड़ी सी बस ध्यान रखते हुए इसे बनाएं। चलिए अब इसका कटिंग कर लेते हैं। ब्लाउज का पीसेस जो है, मैं पहले इसका पिछले वाला जो हिस्सा है ये पार्ट, इसे रखकर ये जो निशान है इसे पीछे में आना चाहिए, तो इसलिए मैं पहले पीछे वाला पार्ट इसे निकाल लूँगी। थोड़ा सा आधा इंच के करीब रख लेंगे और इसका निशान लगा लेंगे, इसी तरह से थोड़ा सा निशान लगाकर इसका
न्यूज़पेपर का निशान लगा लेंगे, उसके बाद इसे कटिंग करेंगे। इसी तरह से मैं निशान कर चुकी हूँ, न्यूज़पेपर हटा ली हूँ, अब इसे काट लूँगी। अब काटेंगे इसी तरह से, दोनों ब्लाउजों को काट लेंगे और इसका अस्तर भी काट कर इसे इस तरह से बना लेंगे। इसे 1 इंच के करीब ज़्यादा रख कर इसे काटेंगे, इसीलिए करने पर ये थोड़ा सिकुड़ जाएगा। ये जो पीछे वाला पार्ट है इसे काट कर निकल चुकी हूँ, इसे अब हटा लेंगे और इसका पहले हाथ निकाल लेंगे। ये जो डिज़ाइन जो है ये हाथों के लिए देता है, तो इसलिए इसका पहले हाथ का कटिंग करके, जो हाथ ब्लाउज का हाथ बनाएंगे, हाथ का कटिंग करके निकाल लेंगे। उसके बाद ये जो कपड़े बच चुके हैं इसमें 4 हिस्सा निकाल कर, जो चोली का 4 हिस्सा कटिंग है उसे निकालेंगे और उसे बनाकर काट कर तैयार करेंगे, उसके बाद सिलाई करेंगे। अब मैं ब्लाउज का हाथ कटिंग करने के लिए, मैंने जो नाप दिए थे तो इससे बोले थे कि इससे 1 इंच थोड़ा सा बड़ा करेंगे, तो इसमें 1 इंच बड़ा कर लेंगे। इससे मैं नाप ली थी तो ये 6.5 इंच का है, तो मैं इससे थोड़ा सा 1 इंच के ज़्यादा करूँगी। ये है वो 6.5 था, तो ये 1 इंच ज़्यादा करना है, 7.5, और सिलाई के लिए 0.5 इंच, 8 इंच का मैं हाथ नाप कर लूँगी। तो यहाँ पे निशान लगा लेंगे, यहाँ पर निशान लगा लेंगे 8 इंच का, और यहाँ पर भी निशान लगाएंगे 8 इंच का। जो हाथ बनाएंगे हाथ का नाप से इसे 1 इंच ज़्यादा ये रखेंगे इसका चौड़ाई में, और इसे क्या करेंगे, इसका कटिंग करेंगे। ये 3.5 इंच का निशान लगाकर यहाँ से शेप देंगे, इसे इस तरह से शेप देते जाएंगे और हाथों को कितना चाहिए उसका निशान लगा लेंगे, 6 इंच का। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस तरह से निशान कर, बस आप इसे काट लेंगे हाथों को। थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे, इसी तरह से काट कर तैयार करेंगे। उसके बाद कटिंग निकालेंगे, 4 पीस वाला जो कटिंग है उसे निकाल कर तैयार करेंगे। हाथों का कटिंग हो चुका है, ये देखिए ये हो चुका। अब इसे साइड में रख लेंगे। अब इसे जो कपड़े बच चुके हैं इससे 4 टुकड़े, जो चोली वाला कटिंग है उसका 4 टुकड़ा इससे निकाल कर तैयार करेंगे। क्या करूँगी, यहाँ पे एक पेपर डाल लूँगी न्यूज़पेपर। ये 4 टुकड़े वाला जो कटिंग है मैं इसका निशान लगा चुकी हूँ, ये देखिए 1, 2, 3, 4। अब इसे निशान को देखकर इसका काट कर तैयार करेंगे। ये सामने वाला 4 टाइप का जो कटिंग है इसे इसे अलग से रख लेंगे, देखिए ये 4th, और ये हाथ वाला कटिंग है और ये पीछे का पार्ट है। अब ये जो कपड़े बच चुके हैं, ये जो बटन का पट्टी बनाएंगे गले का और कमर का पट्टी बनाकर इसे तैयार करेंगे। इसे साइड में रख लेंगे और इसी तरह से और एक ब्लाउज जो है उसे भी काट लेंगे और अस्तर का कपड़ा जो है उसे भी काट कर तैयार करेंगे। ये अस्तर का कपड़ा है, इसमें लगाकर सिलाई करने के लिए, इसे भी मैं काट लूँगी और इसे सिलाई करूँगी। मैं आपको दिखाऊँगी किस तरह से सिलाई कर तैयार करती हूँ। ये मेरा मशीन है, मैं यहाँ पर ब्लाउज का कटिंग जो कर चुकी थी उसे मैं लेकर आई हूँ यहाँ सिलाई करने के लिए। अब मैं बीच बीच में दिखाती रहूँगी कि कैसे बनाती हूँ, आपके साथ में शेयर करूँगी, और बिल्कुल भी ब्लाउज परफेक्ट बन जाने पर भी आपको दिखाऊंगी। ये जो सामने का 2 हिस्सा है इसे मैं जोड़ चुकी हूँ, जो 4 टुकड़े थे सामने का कटिंग वाला, चोली वाला कटिंग, उसे जोड़कर तैयार कर चुकी हूँ। अब बैक साइड का इसमें जोड़ लेंगे, उसके बाद इसमें हाथ का जो कटिंग है उसे सिलाई करेंगे। उसके
उसके बाद ब्लाउज बन के तैयार होगा, मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए ब्लाउज मेरा बन के तैयार हो चुका है। इसमें मैं ये जो पट्टी लगाई हूँ इसे मैं हाथों की सहायता से हेम सिलाई करूँगी और यहाँ हुक लगाऊंगी, यहाँ पे हुक का सपोर्ट बनाऊंगी। इसी तरह से बनाकर अच्छे से प्रेस कर लूँगी। ये परफेक्ट ब्लाउज बन के तैयार हो चुका है। इसी तरह से और एक जो ब्लाउज है उसे भी बनाकर तैयार करूँगी। उस दोनों ब्लाउज बना लेने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। हमारे ये जो ब्लाउज बनाने का प्रोसेस मैं आपको दिखा रही थी, ये ब्लाउज हमारा दोनों ब्लाउज बन के तैयार हो चुका है। देखिए इसे मैं प्रेस करके तैयार कर चुकी हूँ। ये देखिए देखिए ब्लाउज हमारा बन के तैयार हो चुका है। ये है प्लेन, सॉरी ये जो है सिंगल वाला ब्लाउज जो है ये अस्तर वाला है, ये अस्तर वाला है, ये भी बन के तैयार हो चुके हैं। देखिए मेरी अम्मी देखेंगी तो खुश हो जाएंगी, उनका ब्लाउज इतनी जल्दी बन के तैयार हो जाता है, कोई टेलर इस तरह से जल्दी से नहीं बनाते। मुझे ये अस्तर वाला ब्लाउज जो है उसे बनाने में मुझे एक घंटे का समय लगा और वो जो बिना अस्तर वाला है उसे बनाने में मुझे आधा घंटा लगा। अस्तर वाला जो है डबल बनाना पड़ता है इसलिए एक घंटा समय लगता है। और हाथों की सिलाई थोड़ी सी होती है, हुक वगैरह होते हैं उसे लगाने में थोड़ा समय लगता है। बस ये बन के तैयार एक दिन में बन के तैयार हो जाता है। दो ब्लाउज तो एक दिन में आराम से बन के तैयार हो जाता है। इसी तरह से मैं बना के तैयार कर ली हूँ, अम्मी के ना भेजूँगी, अम्मी देखेंगी खुश हो जाएंगी। आई होप मेरे ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब करें। और मिलती हूँ अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।